चौथा जो है आपका वो है अर्थ के आधार पर शब्द भेद, अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अब वो कौन कौन से हैं? सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सै प्लस में, अर्थ प्लस में का टुकड़े करेंगे ये हो जाएगा नी प्लस में, अर्थ प्लस में का। सै का अर्थ क्या है? साथ, जिनके साथ कोई अर्थ है। और नी का अर्थ क्या है? नहीं, मतलब जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं, और जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें हम निरर्थक शब्द कहते हैं। डेफिनेशन है आपकी यही, परिभाषा क्या होगी? जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें हम निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे हम इन निरर्थक शब्दों का प्रयोग भी करते हैं, जैसे चाय वाई, रोटी रोटी खाओगे, रोटी वोटी खाओगे, रोटी वोटी। कपड़ा वपड़ा लेना है, कपड़ा वपड़ा। चाय वाय, रोटी वोटी, कपड़ा वपड़ा, लड्डू वड्डू। अब लड्डू का तो अर्थ है वड्डू का कोई अर्थ नहीं, कपड़े का अर्थ है वपड़े का कोई अर्थ नहीं, रोटी का अर्थ है वोटी का कोई अर्थ नहीं, चाय का अर्थ है वाई का कोई अर्थ नहीं, लेकिन फिर भी हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो ये क्या है? निरर्थक शब्द है और ये सार्थक शब्द है। आगे जाकर आप सार्थक के जो है भेद पढ़ोगे, समानार्थी है, विलोम है, आपके जो है अनेकार्थी, श्रुति सम है, वो सारे क्या है? सार्थक शब्द।